शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लाइट को क्या हुआ? तो मेरा मतलब वो नहीं था, पर अभी मुझे जाना श्रद्धा के पास। नाटक किया ताकि घर वाले मंदिर जा सकें और श्रद्धा के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि मैं अभय को रोक सकूं श्रद्धा के पास जाने से। लेकिन अभय अभी भी श्रद्धा का ही नाम जप रहा है। अब बस बहुत हो गया तुम्हारा श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ चली गई? कभी उसके बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया? फोन करके देखते। ये श्रद्धा कहाँ जा सकती है? फोन भी यही छोड़ के गई है। कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। कीर्ति, तुम्हारी नौकरी तो चली गई, लेकिन ये पुलिस वाली जासूसी कभी नहीं जाएगी ना? वरुण जी, हम जासूसी नहीं कर रहे, हमें बस अपनी बहन की चिंता है, और इस अभय पे ना रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें। अरे जब अभय ने बोला है
कि आज रात होने से पहले वो श्रद्धा को ढूंढ निकाले, तो फिर थोड़ा भरोसा तो करो मेरे भाई पे। माफ करिए, पर जब तक दीदू मिलेंगी नहीं तब तक हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब है पर ये इतना घबराया हुआ क्यों घूम रहा है? किसे ढूंढ रहा है ये? ढूंढ क्यों नहीं रहा है हमारी बच्ची को? अभय भी अभी तक नहीं लौटे, वादा किया था उन्होंने हमारी श्रद्धा को लाने का, कहाँ है वो? कुछ कुछ करता क्यों नहीं है? दिलासा देने और झूठा वादा करने में फर्क होता है अनुजी। अभय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये अभय है भी कि नहीं जिसने हमारी बेटी की जिम्मेदारी ली थी? ऐसा नहीं है भाई साहब, अभय की याददाश्त गई है लेकिन उनका मन अभी भी नहीं बदला है। वो अभी भी श्रद्धा की चिंता करते हैं। देखिएगा, वो श्रद्धा को लेकर जरूर लौटेंगे। लेकिन कब लौटेंगे? अभी तक कुछ अता पता नहीं। नैना जी, हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत चिंता हो रही है हमें हमारी बच्ची। अरे यशवी जी, संभालिए खुद को, दोनों कहीं फंस गए होंगे, आते ही होंगे। डॉक्टर ने पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई, हम सबको मंदिर भेजकर उसी का आता पता नहीं। हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? रोज घर पे नया कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। भाभी, लगता है किसी की बहुत बुरी नजर लगी है, लेकिन सवाल ये है कि किसकी और क्यों? अरे यार, क्यों मैंने उसे अकेला छोड़ा? अब वो मिल नहीं रही है। आंटी जी से भी वादा करके आया हूँ कि रात होने से पहले श्रद्धा को घर वापस छोड़ के आऊंगा। श्रद्धा को अगर कुछ भी हुआ है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अभी सब्र नहीं है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, फिर भी गई तुम। मेरी बात ना मानने की कसम खाई है तुमने। मैंने जब तुमसे कहा था कि मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हारी जान को बाहर खतरा है। अरे तुम जानती भी हो मेरी क्या हालत होगी थी जब तुम कमरे में नहीं मिली मुझे। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता ना। अपने नसीबों से आज अगर अभी का पीछा करते करते मैं यहाँ नहीं पहुंचती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे श्रद्धा मुझसे मेरा अभय छीन रही है। माफ कीजिएगा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं बाहर गई थी। मैं पहले किचन में भी गई थी मगर वहां भी कुछ नहीं था, सब खाली था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। ठीक है, अब बाहर मत जाना। मगर आपको मेरी इतनी फिक्र होगी, ये मुझे नहीं पता था। क्यों? अब वो तुम्हारा गुनेगार तो अभी भी घूम रहा ना बाहर, तुम्हारे खून का प्यासा, तो बस वो तुम्हारी चिंता। नहीं, वो मैं ही घबरा गया था ऐसे ही। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।